यहाँ पर बड़ा बयान है, क्योंकि उन्होंने अपनी किताब में ये चीज लिखी है कि लक्ष्मण टीला से टीले वाली मस्जिद कर दिया गया है। बिल्कुल राहुल, देखिए जिस तरह से टंडन जी की जो किताब है अनकहा, उसमें लक्ष्मण टीले वाली मस्जिद पे जो है इस तरह से लक्ष्मण टीला से टीले वाली मस्जिद में अन्याय हुआ है और तमाम तरीके जो बातें की गई है, कहीं ना कहीं एक नया जो विवाद है वो पूर्व सांसद लालजी टंडन द्वारा खड़ा किया गया है। अब इसमें देखना होगा कि टीले वाली मस्जिद की तरफ से जो है क्या रिएक्शन सामने आता है, लेकिन साफ है कि एक नए विवाद को जो है हवा दे दी गई है और अब इस पे जो है जिस तरह के कैसे रिएक्शन आते हैं सामने लोगों से ये देख। तो वाकई अनकहा लखनऊ में जो कुछ भी लिखा है लालजी टंडन ने वो विवाद तो जरूर खड़ा करेगा, क्योंकि उन्होंने कहा यह भी है कि नवाबी कल्चर में कैद करने की कुचेष्टा से ऐसा हुआ है कि लोग इस कल्चर को जाने समझ लें। अनकहा लखनऊ सदियों की परंपरा का संकलन है। टीले वाली मस्जिद को लेकर टंडन ने ये बात कही है और खुद अनकहा के लेखक और पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद लालजी टंडन जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत आपका भारत समाचार में सर। आपने ये कहा है कि लक्ष्मण टीला से टीले वाली मस्जिद कर दिया गया, जरा बताएंगे दर्शकों को, समझाएंगे भी ये कि ये लखनऊ का प्राचीन तब स्थान है, ये पूरा क्षेत्र जो लक्ष्मण टीला कहलाता था जी, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, ये गजेटियर में है, ये इतिहास में है, इस पे मस्जिद भी बनी है, इस पे मकबरा भी बना है, इसमें ये कभी कोई विवाद नहीं है कि कहाँ क्या बना है जी। और केवल ये कि वो सब कुछ होते हुए भी उसका नाम अभी तक लक्ष्मण टीला था, लेकिन अब वहाँ जो विकास किया गया उसके बाद लक्ष्मण टीले का नाम बिल्कुल गायब हो गया। ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। इसी की तरफ मैंने इशारा किया है कि ये सब इतिहास की किताबों में मौजूद है, उसमें यहाँ के गजेटियर्स में मौजूद है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में मौजूद है, जो सब जगह प्रमाणित है और हजारों साल से, मतलब सैकड़ों साल से वो इसी नाम से मशहूर है। कभी विवाद नहीं हुआ कि वहां पर वो लक्ष्मण टीला है, इससे मस्जिद नहीं हो, वो मकबरा नहीं हो, कोई विवाद ही नहीं है। लेकिन ये जानबूझकर कुछ उन्होंने इसमें पुरातत्व वाले भी शामिल हैं कि उनकी भी गलती है और यहाँ की जो प्रशासन है उसकी भी, कि उसने कैसे जो सरकारी कार्डों में है उस नाम को गायब कर दिया। तो ये मैंने उसको इशारा किया है। तो टंडन जी, इसके पीछे मंशा क्या रही होगी लक्ष्मण टीला के पीछे, मतलब उसको बना दिया गया टीले वाली मस्जिद? ये अभी जो ये हेरिटेज जोन के नाम पर जो वहाँ डेवलपमेंट हुआ उसके बाद वहाँ बाहर बोर्ड लगा दिए गए हैं, तो लक्ष्मण टीले का कहीं जिक्र ही पूरे क्षेत्र में नहीं। टंडन जी, इसके पहले भी आप केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, कभी, चूंकि आप बता रहे हैं कि तमाम इतिहास में इस चीज का जिक्र है, सरकारी गैजेट में जिक्र है, तो आपने क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं बदलने की कोशिश की कि इसे लक्ष्मण का टीला नाम दे दिया जाए? ये तो अभी हुआ है पिछली गवर्नमेंट में, और उस वक्त मैंने अखबारों में तब छपा है, मेरा इंटरव्यू छपा है, मेरे विरोध छपा है। मतलब कब पता चला आपको ये चीज? ये पता क्या लगी, उसका नाम तो सैकड़ों साल से इसी नाम से है, लक्ष्मण टीला के नाम से है जी। तो फिर टीले वाली मस्जिद क्यों है, मतलब आप तो इसके पहले भी मंत्री रहे, प्रयास क्यों नहीं किया? अटल जी की सरकार रही, आप मंत्री रहे, आपको ये पता नहीं, आपको जब आप जानते नहीं है तो इसमें बयान क्यों कर रहे हैं? नहीं सर, तो आप, आपको ये पता नहीं है कि ये मैं कह रहा हूँ कि अभी दो साल पहले, जो है डेढ़ साल पहले, ये जो यहाँ हुसैनाबाद में जो डेवलपमेंट हुआ है ये उसके बाद हुआ है और बाद में लगा बोर्ड।
तो सर आप तो उस वक्त सक्रिय राजनीति में थे, आप तो विरोध कर सकते थे इस बात का। चलिए मैंने नहीं किया। अब आगे सर ये आप कहाँ थे? नहीं सर अब हम आपको लखनऊ का इतिहास नहीं मालूम है सर? नहीं नहीं मैं बिल्कुल मैं भी था टंडन जी। चलिए फिलहाल वो हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं। लाल जी टंडन ने अपनी अनकहा लखनऊ जो उनकी किताब है उन्होंने इसमें कहा है कि ये सालों साल पुरानी बात है। ये लक्ष्मण टीला था पहले, जिसे टीले वाली मस्जिद कर दिया गया। लखनऊ की संस्कृति के साथ जबरदस्ती हुई है, उन्होंने ये भी कहा है। पूर्व बीजेपी सांसद लालजी टंडन ने बहुत स्वाभाविक है, इस किताब में जो कुछ लिखा है इसके बाद विवाद तो खड़ा होगा ही। नवाबी कल्चर में कैद करने की कुचेष्टा से ऐसा किया गया है, ये चीजें अपनी किताब में अनकहा लखनऊ में उन्होंने कहा है। तो अनकहा लखनऊ में लालजी टंडन ने बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने बताया है कि ये नवाबी कल्चर को अपनाने की एक परंपरा है, और जब उनसे पूछा गया कि जब ये चीजें डेवलप हो रही थी, बन रही थी, तब आपने विरोध क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि विरोध नहीं किया लेकिन अब विरोध कर रहे हैं। बड़ी खबर है लखनऊ से इस बीच, और आज की ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर भी हो सकती है। जिस तरह से लालजी टंडन ने अपनी किताब में जिक्र किया है, टीले वाली मस्जिद पर विवाद अब शुरू हो गया है। सवाल यह है कि इस तरह का विवाद बार बार खड़ा क्यों हो रहा है? टीले वाली मस्जिद को लेकर टंडन ने विवाद खड़ा किया है। अनकहा लखनऊ जो उन्हीं की किताब है, इसमें बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा है कि ये लक्ष्मण टीला से टीले वाली मस्जिद इसे किया गया है, ये अन्याय है। लखनऊ की संस्कृति के साथ जबरदस्ती हुई है, टंडन ने इसका भी जिक्र किया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि नवाबी कल्चर में कैद करने की कुचेष्टा से ऐसा हुआ है, यानी नवाबी कल्चर में कैद करने की कुचेष्टा, बहुत बड़ा बयान दिया है यहां पर। अनकहा लखनऊ सदियों की परंपरा का संकलन है उनका। टीले वाली मस्जिद को लेकर टंडन ने विवाद खड़ा किया है। टीले वाली मस्जिद जबरन बनी थी, लेकिन सवाल तो ये है जब वो जबरन बन रही थी तो उस समय खामोशी क्यों थी इस तरह की, ये भी। और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी आपका बहुत स्वागत। थोड़ी देर पहले हमारे साथ खुद लालजी टंडन जो कि अनकहा के लेखक है वो भी जुड़े थे। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण टीला से इसे टीले वाली मस्जिद कर दिया गया, और हर जगह सरकारी गैजेट में तमाम जगह आप देखेंगे तो सबूतों के साथ लक्ष्मण टीला ही वहां पर है, लेकिन नवाबी कल्चर में कैद करने की कुचेष्टा से किया गया है इसको। देखिए भारतीय जनता पार्टी देश को आगे ले जाना चाहती है, 16वीं सदी में ले जाना चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना होगा। आज की डेट में उनकी सरकार है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें 21वीं सदी से 22वीं सदी में ले जाने की बात करनी चाहिए। पुरानी चीजों को खोद खोद करके भारतीय जनता पार्टी अपने 4 साल के कुकर्मों पर पर्दा नहीं डाल सकती है, और उत्तर प्रदेश के 1 साल के कुकर्मों पर पर्दा नहीं डाल सकती है। उत्तर प्रदेश के बच्चों को रोजगार चाहिए, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य चाहिए, महिलाओं को के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनमें बंदी होनी चाहिए। अभी ने लक्ष्मण टीले और टीले वाली मस्जिद की पड़ी हुई है। नहीं तो इसमें मतलब आप ये कह रहे हैं कि 4 साल और 1 साल की नाकामी की वजह से ये सब चीजें कही जा रही है, और इसमें 4 साल में कुछ नहीं कर पाए तो जनता को किस तरीके से दोबारा बेवकूफ बनाए, सिर्फ इसका ये प्रयास करे और इसका और कोई कारण नहीं। लेकिन सुरेंद्र जी एक पूर्व मंत्री इस तरह से कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकारी गैजेट में भी इस बात का जिक्र है। निश्चित तौर पर पूर्व मंत्री को चाहिए ना कि मोदी सरकार की 4 साल की उपलब्धियां क्या है उनको बताएं, बल्कि डेट में जो काम इतिहास विदों का है इतिहासकार करे। लालजी टंडन जी एक राजनेता है, राजनेता की तरीके से आचरण करें। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। और सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, एमएलसी हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर चंद्रमोहन भी हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रमोहन जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले सुनील सिंह साजन आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े भी थे लालजी टंडन, उन्होंने कहा कि नवाबी कल्चर में कैद करने की कुचेष्टा से लक्ष्मण टीला को टीले वाली मस्जिद बना दी गई है। देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में ये बात करती कि हम रोजगार पे बात करना चाहते हैं, हम गरीबी पे बात करना चाहते हैं, हम डेवलपमेंट पे बात करना चाहते हैं, महिलाओं की सुरक्षा पे बात करना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। अब 4 साल में लफाजी की है, मन की बात की है, जुमलेबाजी की है, तो ये देश जुमलेबाजी से नहीं चलता। ये बात जान गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग
कि ये हमने जुमला बोला है और शायद लोग नाराज हैं, इसलिए कभी राम पर ट्राई करते हैं, कभी सीता मैया पे ट्राई करते हैं, कभी लक्ष्मण जी पर बात कर रहे हैं कि कौन सा मुद्दा चल जाएगा। मुझे लगता है भगवान भी नाराज है, अब की भगवान राम इनका ऐसा इलाज बांधेंगे कि ये अब की ऊपर आएंगे। राम नाम सत्य है भारतीय जनता पार्टी का और भगवान राम के सहारे इनका अंतिम संस्कार होना। लेकिन सुनील जी वो सक्रिय राजनीति में भी तो नहीं है, उन्होंने जो समझा वो लिखा है। देखिए वो इतिहास की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आज हम देश की हालात से बात करेंगे या पिछले जाएंगे। अगर हम पीछे जाते हैं तब तो डॉक्यूमेंट में ये भी है कि संघी सब अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, क्रांतिकारियों के खिलाफ थे, ये तो राष्ट्र के खिलाफ थे, ये तिरंगे के खिलाफ थे, ये तो राष्ट्रगान के खिलाफ थे। हम तो नहीं बात कर रहे हैं, हमने तो इनको नहीं कहा कि अंग्रेजों के दल थे, हम कह भी नहीं रहे क्योंकि वो पुरानी बातें हैं। हम चाहते हैं कि नए भारत में नए भारत के निर्माण की बात हो, हम कैसे तरक्की करें, एजुकेशन पे कैसे काम करें, सड़कों पर कैसे काम करें, हेल्थ पे कैसे काम करें, और जुमलेबाजी को छोड़ करके कम से कम हकीकत पे बात करें। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर चंद्रमोहन भी जुड़े हैं। मतलब तमाम जो नाकामियां हैं उसको छिपाने के लिए इस तरह की किताब लिखी जा रही है। सुरेंद्र राजपूत और सुनील सिंह साजन दोनों लोगों का यही कहना है। चंद्रमोहन जी देखिए ये दोनों एक ही बात बोलेंगे, नाम अलग अलग है, पार्टी अलग अलग है, लेकिन ये एक ही बात बोलेंगे, दो बात नहीं बोल सकते हैं। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि जो लोग अपना जिनका समाजवाद बंगले में प्रकट हो रहा है, जो बंगले बचाने के लिए कवायदे कर रहे हैं, बंगले बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दे रहे हैं, उनको कौन से बात कह रहे हैं, कहाँ की चिंता कर रहे हैं, कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया, उत्तर प्रदेश को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, उत्तर प्रदेश की जो हालत बदतर की है, 27 साल यूपी बेहाल करते करते साइकिल के करियर पर बैठने वाले किसकी बात कर रहे हैं। आज बंगले के लिए इतने लालाए थे कि बंगला बंगला बंगला, अरे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्देश आया उसका पालन करना चाहिए, क्यों नहीं पालन कर रहे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का, हमको सुरक्षा है साहब, हमको बंगले में रहना है। अरे जो लूट खसोट का जो पैसा, जनता की गाड़ी कमाई जो बंगले में लगी हुई है ना, उसके कारण ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। आदरणीय लालजी टंडन जी एक सीनियर है, आज वो सक्रिय राजनीति में नहीं है, उनके बारे में टिप्पणियां कर रहे हैं, उन्होंने कोई बात कही है वो उस पर इतिहासकार मथेंगे, इतिहासकार टिप्पणी। चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आपका भी, सुनील सिंह साजन आपका भी, और सुरेंद्र राजपूत आपका भी। डॉक्टर चंद्रमोहन यही कह रहे हैं जो बंगले के लिए लड़ रहा है तो हम क्यों लक्ष्मण टीला के लिए ना लड़ें। और वक्त यहां पर एक